गाइस, आप सभी का बाला की रसोई में स्वागत है। आज की रेसिपी है अरबी के सोले बनाना। तो आइए बनाते हैं अरबी के सोले। अरबी के सोले बनाने के लिए ये हमने आधा किलो अरबी ली है और इनको हमने धो लिया है और इस प्रकार से हमने अरबी को अंदर से खोखला कर लिया है। मैं आपको एक अरबी खोखला करके दिखाऊंगी। ये मैंने अरबी ली है और ये मैंने आलू छीलने वाला पिलर लिया है। अब इसको मैं इस प्रकार से घुमाऊंगी और ये बिल्कुल आसानी से खोखली हो जाती है अरबी। देखो, इसी प्रकार से मैं इस अरबी को सारी को खोखली कर लूंगी। ये मैंने आपको दिखाना था, इसलिए एक अरबी को मैंने बचा के रखा था। ये देखो कितने आसानी से हो गई हमारी अरबी खोखली अंदर से। और जो ये हमारी अरबी बची हुई है, इसकी आप भाजी बना सकते हो अरबी की। ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला चौथाई चम्मच, काली मिर्च चौथाई चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर चौथाई चम्मच, धनिया पाउडर चौथाई चम्मच और आमचूर पाउडर चौथाई चम्मच, और ये हमने चौथाई से चम्मच हमने अजवैन ली है और चौथाई चम्मच हमने जीरा लिया है, और ये एक कटोरी में हमने दो चम्मच मोनीस ली है और दो चम्मच हमने आरारोट लिया है, और ये हमने एक ब्रेड का क्रम्स तैयार किया है, और ये हमने 100 ग्राम के आसपास पनीर लिया है, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है, और ये मैंने दो हरी मिर्च ली हैं, इसको बारीक कट कर लिया है, एक अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी बारीक कट कर लिया है, चार हमने बीन्स की फलियां ली हैं, इनको भी बारीक कट कर लिया है, और एक गाजर ली है, इसको भी बारीक कट कर लिया है। तो आइए बनाते हैं अरबी के सोले। ये मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, ऑयल को मैं गर्म होने दूंगी। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है, तब तक मैं अरबी के भरने के लिए मसाला तैयार कर लूंगी। ये मैंने पनीर को एक बाउल में डाल दिया है और साथ ही ये मैंने जो सब्जियां ली हैं इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। हरी मिर्च अदरक भी इसी में डाल दूंगी मैं। अब मैं ये मसाले भी इसमें डाल दूंगी और साथ ही ये मैंने दो चम्मच मोनीस ली है, ये भी इसी में डाल दूंगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी और एक डोसा बनाकर तैयार कर लूंगी इसे मैं, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये स्नैक्स खाने में बहुत ही स्वाद लगता है। और ये हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे मसाले को अरबी के अंदर भरूंगी। ये मैंने अरबी ली है और हाथ की मदद से मैं इसमें ये मसाला भर दूंगी और इसे अच्छे से दबा दबा के मैं मसाले को भरूंगी इसमें। और ये हमारी अरबी अच्छे से भर के तैयार हो चुकी है। इसे मैं प्लेट में ही रखती जाऊंगी और फिर से मैं दूसरी अरबी को भरूंगी। इसी प्रकार से मैं उंगली से दबा के नहीं इसको अंदर तक भर लूंगी। ये देखो, ये भी हमने भर के तैयार कर ली है और इसी प्रकार से मैं अपनी सारी अरबी को भरकर तैयार करूंगी। और ये हमारी सारी अरबी भरकर तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इसी बाउल के अंदर ये अरारोट का पेस्ट तैयार करूंगी। अब मैं ये अरारोट का घोल तैयार करूंगी। ये दो चम्मच मैंने अरारोट लिया है और ये मैंने पानी लिया है, इसे मैं अच्छे से घोल लूंगी। ये हमारा अरारोट का घोल तैयार हो चुका है। मैंने एक प्लेट ली है
और ब्रेड के क्रम्स मैं इस प्लेट के अंदर डाल देती हूँ और इसे मैं फैला दूंगी इस प्रकार से। अब मैं एक अरबी को उठाऊंगी। इस अरबी को मैं इसके अंदर डिप करके नहीं, और ये जो मैंने ब्रेड ली है इस पे मैं इसे इस प्रकार से ब्रेड के अंदर रोल को अच्छे से घुमा दूंगी। और ये हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ये अरबी को फ्राई कर लूंगी। अब इसी प्रकार से मैं अपनी ये दूसरी अरबी को भी लूंगी और इसे डिप करके फिर इसमें और इसे भी मैं इसके अंदर फ्राई करने के लिए डाल दूंगी। गैस का फ्लेम हमने स्लो पे ही रखा हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा हिला दूंगी और बाकी अरबी को भी मैं इसी प्रकार से छोड़ दूंगी। और इन्हें मैं अच्छे से फ्राई होने दूंगी स्लो गैस पे, जिससे कि ये अरबी हमारी अच्छे से गल जाए। ये हमारी अरबी कितनी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूंगी। ये देखो कितने अच्छे से बनके तैयार हुई है। और इसी प्रकार से मैं अपनी सारी अरबी फ्राई करके तैयार कर लूंगी। ये हमारी अरबी के कबाब कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ये हमारे सारे अरबी के सोले तैयार हो चुके हैं। अब मैं ये अरबी के सोलों को कट कर लेती हूँ। ये अरबी के सोले हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं से एक अरबी को कट करूंगी। ये देखो कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं और मैं एक प्लेट में सर्व करती जाऊंगी इन्हें। ये हमारे सोले कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। और ये हमारे अरबी के सोले बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।